कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप पहले अशरे की आखिरी सहरी सबको मुबारक हो। और कल से लग जाएगा दूसरा अशरा, अशरा मगफरत। तो अल्लाह से दुआ है कि इस अशरे में अल्लाह हमारी मगफरत फरमाए। तो सहरी का टाइम हो रहा है, तो चलते हैं। अब सहरी करती हूँ मैं, और अभी बाहर चलते हैं। मैं आ गई हूँ किचन में, और सहरी यहाँ मैंने लगा दी है, और मम्मा यहाँ कुरान शरीफ पढ़ रही हैं। अब मैं जा रही हूँ सहरी करने, फिर उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ूँगी, कुरान शरीफ पढ़ूँगी। तो मिलते हैं आप सब। मैं उठ गई थी और मैंने नमाज़ भी पढ़ ली सुहर की, और काशी पे पढ़ ली, और जब से मैं लगी हुई थी कामों में, और असर की नमाज़ भी पढ़ ली। और उसके बीच में मैं बना रही थी प्रोजेक्ट, जो आपको पीछे नज़र आ रहे होंगे, ये मैंने बनाया जब से मैं लगी हुई थी उठने के बाद। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या प्रोजेक्ट बनाया है, और ये कम्प्लीट हो गए हैं। ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया है जिसमें मैं सुबह से लगी हुई थी कम्प्लीट करने में। इसको आयशा उमैमा के प्रोजेक्ट हैं, स्कूल के उनके फाइनल्स पेपर हो रहे थे। ये है समर्स पर, क्योंकि आइडिया मैंने ये सोचा कि आजकल है गर्मी, समर्स चल रहा है, तो समर पे बनाया जाए। ये सब चीज़ें मैंने खुद क्रिएट की हैं, खुद बनाई हैं, सारे आइडिए भी खुद हैं मेरे। ये है आयशा का, और रेन भी हो रही है आजकल, बारिश भी हो रही है, तो इसका सोचा कि बारिश का बना दिया जाए। तो ये सब चीज़ें भी मैंने खुद बनाई हैं, सब कुछ खुद क्रिएट किया है। ये मेरी एक छोटी सी क्रिएटिविटी, आर्ट एंड क्राफ्ट का मुझे शौक है, एक तरह से मेरी हॉबी भी है। इससे पहले मैंने बहुत कुछ बनाया है, और जब मेरा चैनल नहीं था तो मैं शेयर नहीं कर सके आप लोगों के साथ। तो मैंने सोचा अब मेरा चैनल है तो ये मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो दूसरी एक बात और शेयर करनी है, वो ये है कि आज आ रहे हैं मुजम्मिल इफ्तार के बाद, और हम लोग जाएंगे डिनर पर। तो वैसे भी मैं आज इफ्तार नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैं सुबह से इसमें लगी हुई थी, इसको कंप्लीट करना था प्रोजेक्ट को। तो मम्मा आज इफ्तार बना रही हैं, मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, और अब इफ्तार में थोड़ा ही टाइम रह गया है, और उसके बाद आ जाएंगे मुजम्मिल और हम लोग जाएंगे डिनर पर। इफ्तार वैसे भी मुझे कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने इफ्तार ज़्यादा कर लिया तो मुझसे डिनर नहीं किया जाए। रमज़ान में इफ्तार के बाद डिनर पर नहीं गई हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है इफ्तार के बाद कोई डिनर नहीं करता है, हमारे भी ऐसी होता है। तो आज ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि मुझे अब रमज़ानों में डिनर पर जाना है इफ्तार के बाद। तो मैं इफ्तार कम करूँगी, और अब इफ्तार का टाइम होने वाला है, तो मैं जा रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, उसके बाद इफ्तार का टाइम हो जाएगा, और उसके बाद आ जाएंगे मुजम्मिल। तो जी, इफ्तार मैंने कर लिया, नमाज़ भी पढ़ ली और रेडी भी हो गई हूँ, और मुजम्मिल आने वाले हैं। जैसे वो आते हैं फिर हम जाते हैं डिनर पर। हमने ऑर्डर करा हुआ है, ऑर्डर आते हैं तो आपको दिखाते हैं, हमारा ऑर्डर आ चुका है, हम आपको दिखाते हैं क्या मंगाया है। तो जी, ये है टिक्का, और ये है सीख कबाब, और ये है पूरी पराठा, और ये है रोल। अब हम डिनर इंजॉय करते हैं, और ये है मेरे साथ फ्रेंड। कैसे हैं आप? चले आप सारा डिनर एंजॉय करते हैं। कल तो हमने डिनर कर दिया है, और हम जा रहे हैं। डिनर के बाद मुझे आइसक्रीम खानी थी, तो मुजम्मिल मुझे अल्पाइन लिया आइसक्रीम खाने के लिए। वहाँ पर बहुत सारे फ्लेवर्स हैं यम्मी यम्मी आइसक्रीम के, तो समझ नहीं आ रहा था कौन सा चूज़ करूँ। दिल चाह रहा ये भी खा लो, वो भी खा लो, तो बड़ी मुश्किल से मैंने अपने कुल्फ़ा चूज़ किया। मुजम्मिल ने मेरे लिए आइसक्रीम ली, यहाँ पर बहुत रश था, उन्होंने लाइन लगाकर बड़ी मुश्किल से आइसक्रीम ली, और जब ली तो देखा तो यहाँ पर बैठने की ही जगह नहीं थी, बट हमने आइसक्रीम ले ली। अल्पाइन में बैठने की जगह तो थी नहीं, फिर मैंने वॉक करते करते मुजम्मिल से बातें करते करते आइसक्रीम खाई। हम घर आ गए, हमने डिनर भी कर लिया, और रास्ते में आइसक्रीम खाया। बहुत अच्छा लगा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके बाहर डिनर पर जाकर। और अब मुजम्मिल कर रहे हैं मम्मा से बातें, तो मैं देख लेते हैं ब्लॉग को एंड करूँ, क्योंकि वो तो लग गए हैं बातों में बिजी हैं। तो आप मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और जिस जिसको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो वो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह सपोर्ट करें। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।